तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूनिट 4 के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट केवल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। देखो दोस्तों, मैंने इससे पहले आपके लिए यूनिट 3 और यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाइए और देखिए, क्योंकि उसमें मैंने केवल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं में से आपको एग्ज़ाम में 101% आपको एग्ज़ाम में इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ठीक है, आप टेंशन ना लें किसी बात की, इनको आप कंप्लीट अच्छे से कर लें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न अपना कि एक पूर्ण चक्र में, प्लीज़ कृपया करके आप वीडियो को ले एक लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है बताइए। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, या फिर इसको माध्यमान भी कह सकते हैं, बताइए कितना होता है। 2i0/π या -2i0/π या अनंत या शून्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना शून्य। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्यमान शून्य होता है। अगला अपना प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है बताइए। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति एसी मोटर, ठीक है, या इसे प्रत्यावर्ती डायनेमो भी कह सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती मोटर भी कह सकती है, या फिर एसी मोटर भी कह सकते हैं, या फिर प्रत्यावर्ती डायनेमो भी कह सकते हैं। ओके, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति एसी मोटर का कार्य है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न अपना कि भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है बताइए किसमें। विद्युत अपघटन में, धारा को, धारामापी को रुद्धोल बनाने में, विद्युत लेपन में, या धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने में, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा धारामापी को रुद्धोल बनाने में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेंज के नियम से। प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जा सकती है, इसका करेक्ट आंसर लेंज के नियम से। ओके, अगला प्रश्न है कि एक हेनरी इक्वल टू क्या होता है। एक वेबर अपॉन एक एम्पियर होता है, कितना होता है, एक वेबर अपॉन एक एम्पियर। ओके, एक हेनरी इक्वल टू होता है एक वेबर अपॉन एक एम्पियर, ठीक है, अच्छे से याद करना इसको, एक वेबर अपॉन एक एम्पियर को कहते हैं एक हेनरी। ओके, अगला प्रश्न अपना दृष्ट धारा की आवृत्ति .. होती है। दृष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से वीडियो को देखें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, केवल 9 या 10 मिनट की वीडियो होती है, उसको भी आप ढंग से नहीं देखते हो, पूरा वीडियो को देखा करें जिससे आप एग्ज़ाम में सही नंबर ला सकें, एक भी ओटी आप छोड़ कर ना हो एग्ज़ाम। ओके, तो दृष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, शून्य होती है, दृष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। अगला अपना प्रश्न है कि लेंज का नियम .. संरक्षण का नियम है, बताइए। तो जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ओके, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम है। ओके, अगला प्रश्न है कि आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध .. होता है, बताइए। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय .. के रूप में होता है। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय .. के रूप में होता है, बताइए। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। क्षय मतलब होती है हानि, क्या होता है, क्षय मतलब हानि होती है, मतलब भंवर धाराओं के कारण जो विद्युत ऊर्जा होती है, तो विद्युत ऊर्जा की जो हानि होती है, यानी विद्युत ऊर्जा का जो क्षय होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाता है। किसके रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में, यानी हानि हो जाती है भंवर धाराओं के कारण, विद्युत ऊर्जा की हानि ऊष्मीय ऊर्जा रूप में हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है भंवर धाराओं के कारण। ओके, अगला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा मोस्ट है
कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का कारण बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने का कारण डॉट डॉट में परिवर्तन होना है। तो देखो, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसीलिए यहाँ प्रश्न में पूछा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण डॉट 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 में परिवर्तन होना है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहाँ ऑप्शन में लिख देंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना है। ओके, अगला प्रश्न अपना भंवर धाराओं का उपयोग, एक उपयोग लिखिए, बताइए क्या होगा भंवर धाराओं का एक उपयोग धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में, किसमें धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में या विद्युत ब्रेक में, दो उपयोग देख लो आप, या फिर विद्युत ब्रेक में या फिर धारा मापी को रुद्धदोल बनाने में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने की, बताइए। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फैराडे। फैराडे ने क्या किया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज की थी, किसने? फैराडे ने। अगला प्रश्न है कि किसी प्रणालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रोड रखने पर उसके प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। किसी प्रणालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड रखने पर उसके स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो स्वप्रेरकत्व होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। जब प्रणालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड रख देंगे तो उसका जो स्वप्रेरकत्व है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब प्रणालिका के अंदर क्या रख देंगे? नरम लोहे का क्रोड रख देंगे तो स्वप्रेरकत्व होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जब प्रणालिका के अंदर नरम लोहे का क्रोड रख देंगे। ओके, तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आज आपका थर्ड मॉडल पेपर है, वो आज मैं आपको बता दूंगा। ओके, जो आपका थर्ड मॉडल पेपर है, अगर आपने पहला और दूसरा मॉडल पेपर अच्छे से लगा लिया है ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में 90+ कोई नहीं रोक सकता। और आप जो तीसरा मॉडल पेपर आ रहा है उसमें आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लिए, देखिए जितने भी जो मैंने आपको वो दिए हैं मॉडल पेपर दिए हैं, अगर उनके आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लगवाओ कम से कम 10 से 15 के बीच में आपके उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आएंगे। 10 से 15 के बीच में आपके तीन मॉडल पेपर में से ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। ओके, टेंशन ना लें, तीन मॉडल पेपर में से आपके 10 से 15 के बीच में ऑब्जेक्टिव आएंगे, अधिक से अधिक हम 15 और कम से कम 10। ओके, आएंगे गारंटी के साथ। और आप क्या करें, जो तीसरा मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ उसमें आप 2 नंबर के याद कर लें पक्के उसमें से, ठीक है, और 3 नंबर के याद कर लेना। और भले ही आप 4 नंबर को 5 नंबर के भले याद मत करना, लेकिन 2 और 3 नंबर के आप याद जरूर कर लेना, क्योंकि 2 और 3 नंबर के अलग अलग एग्जाम में, मतलब जो ज़्यादा प्रश्न रिपीट नहीं होती हैं 2 या 3 नंबर के, अलग अलग बार अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप 2-2 नंबर के कर लेना अच्छे से। और वैसे ही मैं आपको दे दूंगा जो 4-4 नंबर के, उनको भी मैं देने वाला हूँ अभी आपके लिए, ठीक है, इससे अगले वीडियो आएगी। और जो 3-3 नंबर के हैं वह भी मैं आपको दे दूँगा, जिससे ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं वो मैं दूँगा आपके लिए। जैसे मैंने 5 नंबर के आपको दिए थे केवल 10 क्वेश्चन, उसी प्रकार मैं इसमें भी आपको केवल 12 प्रश्न दूंगा, उसको आप अच्छे से लगा लें अगर जिनसे ज़्यादा याद नहीं हो रहा है, ठीक है। जिनसे ज़्यादा याद नहीं हो रहा है मैं 4-4 नंबर के 12 प्रश्न दूंगा, उनको आप अच्छे से लगा लें। और वही भी लगा लें जिन्होंने याद कर लिए हैं, वही भी एक बार देख लेना कि कौन से 12 प्रश्न हैं। इससे अगली वाली वीडियो मैंने आपको बता दूंगा कि उसमें आपके कौन से 12 प्रश्न हैं। दोस्तों इस वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी छात्रों को शेयर कर दें, सभी छात्रों के पास यह वीडियो होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।